तो गाइस ये तो हम सभी जानते हैं गोकू ड्रैगन बॉल सीरीज के सभी पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। और गोकू ही टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल फाइटर था और गोकू ने ही यूनिवर्स 11 के मॉर्टल को भी हराया था। लेकिन यूनिवर्स 7 में सिर्फ गोकू नहीं बल्कि बहुत ही सारे पावरफुल कैरेक्टर्स है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यूनिवर्स 7 के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल और ये सभी मॉर्टल यूनिवर्स 7 के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स है। तो आज की मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी लाऊंगा। सो लेट्स स्टार्टेड। सो नंबर 10 तय है, तुमने अपने आप को रोक रखा था। अजीब बात है, मैं भी तुम्हारे लिए यही कहने वाला था। एंड्रॉइड 17। एंड्रॉइड 17 डॉक्टर ज़ेनो का बनाया हुआ एक मॉडल है और वो दोनों ही एंड्रॉइड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एंड्रॉइड 17 ड्रैगन बॉल ज़ी काई में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में एंड्रॉइड 18 गोकू के साथ ट्रेनिंग करता है और वो अपने प्लेनेट पर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करता है, जिससे वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और एक गॉड के लेवल पर पहुंच चुका है। यहां तक कि इसके पास है अल्ट्रा स्टैमिना, मतलब जैसे कि गोकू और वेजिटा को फाइट के बाद बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एंड्रॉइड 18 के केस में ऐसा नहीं है, वो गोकू की सुपर सेन फॉर्म से भी लड़ता है और यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर का वही विजेता रहता है और वो टोपो से भी अकेला लड़ता है और इसलिए वो यूनिवर्स 7 का 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है। नंबर 9 माजिन बू सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास बहुत ही अजीब सी एबिलिटी भी है, जैसे उसकी बॉडी जो कि डैमेज भी नहीं लेती और उसके पास इन्फिनिट स्टैमिना है और वो अपनी बॉडी को रीजनरेट भी कर पाता है, जैसे कि इसके लिए कोई आम बात हो। लेकिन अभी वाला बू काफी ज्यादा वीक है, वो सुपर सेन 3 से भी और वीक है। लेकिन उसकी एबिलिटी की वजह से वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। जब तक गोकू इसे हरा पाता तब तक वो थक जाएगा और पूरी सीरीज में हमें माजिन बू सिर्फ सोता हुआ ही दिखाया गया। यूनिवर्स 6 आर्क में भी वो सो गया था और यूनिवर्स सर्वाइवल आर्क में भी वो सो गया था। लेकिन इससे पहले वो एक फाइट करता है जिसको बड़े ही आसानी से जीत जाता है और वो आगे जाके मोरक की आर्क में भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है। वेजिटा ने इस पे अपना पूरा जोर आजमा दिया था लेकिन बू को एक खरोच तक भी नहीं आई और इसलिए बू है यूनिवर्स 7 का नंबर 9 सबसे खतरनाक मॉडल। नंबर 8 गामा 1। गामाज एंड्रॉइड है जो कि डॉक्टर हीडो ने बनाए थे रेडविन आर्मी के साथ और ये गामाज गोकू की सुपर सेन ब्लू फॉर्म जितने ही पावरफुल है। गामा की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है और वो बिल्कुल एंड्रॉइड से होते हैं। लेकिन लगता है गामा 1 के पास स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पावरफुल नहीं है, गामा 1 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो यहाँ तक कि गोहान से भी फाइट करता है जो कि बिल्कुल सुपर सेन ब्लू कायोकेन के लेवल पर था और ये इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल मॉर्टल है। गामा 2 ने मूवी में अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, इसलिए गामा 1 है यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल मॉर्टल। नंबर 7 ऑरेंज पिकलो। पिकलो ड्रैगन बॉल के बहुत ही पुराने कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर भी है। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज मूवी के अंदर पिकलो अपने नई फॉर्म को अचीव करता है जिसका नाम होता है ऑरेंज पिकलो, जिसको अचीव करते ही वो आसानी से गामा 2 को हरा देता है। इस फॉर्म में वो सुपर सेन गॉड को भी सरपास कर देता है और बिल्कुल सुपर सेन ब्लू के लेवल पर पहुंच जाता है और इसके बाद सेलमैक्स से लड़ते हुए ऑरेंज पिकलो अपनी जायंट फॉर्म भी इस्तेमाल करता है और वो सेलमैक्स को भी काफी अच्छी टक्कर देता है। लेकिन पिकलो गामा को सरपास कर देता है और इसलिए पिकलो है, इसलिए वो है यूनिवर्स 7 का 7 सबसे स्ट्रॉन्ग मॉर्टल। नंबर 6 ब्रॉली। ब्रॉली में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। वो बहुत आसानी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है लेकिन उसे अपनी पावर पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। जब वो शुरू में आया था तो वो वेजिटा और गोकू से लड़ा था तब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन बाद में ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो सुपर सेन 1, सुपर सेन 2, सुपर सेन 3, सुपर सेन गॉड को भी सरपास कर देता है और गोकू और वेजिटा को फ्यूज होके वेजिटो बनके उसको हराना पड़ता है। ब्रॉली ज्यादा पावर यूज करने से अनकंट्रोल हो जाता है जिसकी वजह से अब वो बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है, जिससे वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख ले और भी ज्यादा पावरफुल सेन बन जाए। इसलिए ब्रॉली है यूनिवर्स 7 का नंबर 6 सबसे पावरफुल
मॉर्टल। तो गाइस यही थे ड्रैगन बॉल सीरीज के टॉप 10 में से अभी तक के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स। तो गाइस और भी 5 मॉर्टल्स बचे हैं जिन्हें मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो गाइस इस वीडियो पे भर के सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।